और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य भी कई जगहों पर आज शुरू हो रहा है और उसमें भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि आज ही या कल तक सभी लेबर का मेडिकल चेकअप भी करा लिया जाए जिससे कि कहीं भी एहतियात में कमी ना हो। उन्होंने प्रमुख सचिव ग्राम विकास को निर्देशित किया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पेयजल की समस्या ना हो इसके लिए भी कार्रवाई करें और सभी नोडल अधिकारियों को फोन पर उपलब्ध रहकर समस्याओं को सुनने के लिए निर्देशित किया। यानी जो अन्य प्रदेशों के लिए नोडल अधिकारी हैं, मुख्य सचिव साहब से कहा कि वो सभी नोडल अधिकारी उपलब्ध हैं फोन पर, यह भी निर्देश दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सबको विदित है कि उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है, उनके आज पूज्य पिताजी की कैलाशवासी होने पर स्वयं उन्होंने दुख और शोक व्यक्त किया है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि बैठक में ही सर को ये जानकारी हुई, लेकिन बैठक यथावत उन्होंने करके और फिर उन्होंने यह प्रेस नोट स्वयं ही जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी हार्दिक इच्छा थी दर्शन की, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई में वो अपने कर्तव्य बोध के कारण वहां नहीं जा सक रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कार्य हो वो लॉकडाउन को देखते हुए उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए कामना की। यह भी उन्होंने कहा कि अपने पूज्य पिताजी की स्मृतियों को वो कोटि कोटि नमन करते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और यह भी इस बात की को उन्होंने आगे रखा कि जो उन्होंने अपने पिता से सीखा और जो उनसे आशीर्वाद लिया उसके लिए वो सदैव आभारी हैं। लॉकडाउन के बाद वो दर्शनार्थ आएंगे, ऐसा उन्होंने अपने निजी प्रेस नोट में जारी किया है। कई हमारे पत्रकार साथियों ने जानकारी हासिल करने के लिए